गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन को। जैनेन्द्र कुमार के बाजार दर्शन को पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि जैनेन्द्र कुमार बता रहे थे कि जिस प्रकार उनके पड़ोस में जो भगत जी रहते हैं वे चूरण का काम करते हैं और सिर्फ और सिर्फ छह आने का ही चूरण वह बेचते हैं। उनके यह रोज का काम है, छह आने से ज्यादा का वह बिल्कुल भी चूरण नहीं बेचते हैं। छह आने से ज्यादा का बिल्कुल भी चूरण नहीं बेचते हैं और छह आने का चूरण बिका नहीं, बिकते ही जितना भी बचता है वह सब बच्चों में ऐसे ही बांट देते हैं। उससे आगे और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अब जैनेन्द्र कुमार क्या कह रहे हैं? जैनेन्द्र कुमार कह रहे हैं कि और चीज का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ये चूरन वाले भगत जी हैं इन पर बाजार का जादू बिल्कुल भी नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा, न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ, पर क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बात तो उसे मालूम क्या होगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग है, पैसा उसके आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या यह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो भगत जी हैं उनके ऊपर पैसे का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता, उनके ऊपर बाजार का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता। उनका मन क्या है? एक चीज पर अड़िग है। उसका मन एक चीज पर अड़िग है और वह जो सामान बाजार से लेना है वही सामान लेकर आते हैं। जो सामान उन्हें बाजार से लेना है, बाजार की रौनक, बाजार का जो सजावट है वह उन पर बिल्कुल भी असर नहीं डालता है। उन्हें जो सामान लेना है वह बाजार से लिया और वापस आगे, पैसा उनके आगे पीछे घूमता रहता है, उनके आगे भीख मांगता है कि मुझे लो। क्यों? क्योंकि वह उनका चूरन फेमस है, लेकिन वह सिर्फ छह आने का ही चूरन बेचते हैं, उससे ज्यादा का चूरन वह नहीं बेचते। और जो चूरन बचता है उसे क्या कर देते हैं? उसे बांट देते हैं। जो चूरन बचता है उसे बाद में बांट देते हैं, उसके पैसे नहीं करते, इसलिए पैसा उनके आगे क्या करता है? भीख मांगता है कि मुझे लो। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूं कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौन थी? एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं, मैं सोचने को आता हूँ कि हाँ ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों न मैं मोटर वाले के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है, लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी।
अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है उसके बारे में कवि बात कर रहे हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति के बारे में कवि बात कर रहे हैं कि पैसा किस प्रकार आदमी के अंदर लालच पैदा कर देता है। वह कहते हैं कि एक बार मैं पैदल चल रहा था कि एक मोटर वाला मेरे पास से निकला, मोटर धूल उड़ाती गई। वह आदमी जो पास से निकला वह तो मोटर के अंदर बैठा था, कार के अंदर बैठा था, लेकिन मैं पैदल चल रहा था तो मेरे मन में एक चकाचौंध सी पैदा हुई, यार इस आदमी के पास मोटर है मेरे पास क्यों नहीं है, इस आदमी के पास मोटर है मेरे पास क्यों मोटर क्यों नहीं है, मेरे पास भी मोटर होनी चाहिए, लेकिन मुझे जन्म ही ऐसे घर में मिला जिस कि मेरे माँ बाप के पास मोटर ही नहीं है, मुझे जन्म ही ऐसे घर में मिला, ऐसे घर में क्यों नहीं मिला जिसके पास मोटर हो, कार हो, जिसके पास अच्छे अच्छे कार हो, जिसके पास फॉर्चुनर हो, अरे मेरे बाप के पास तो साइकिल ही नहीं है, मुझे ऐसे घर में क्यों जन्म मिला। तो पैसा है जो अपनों के प्रति भी हीन भावना पैदा कर देता है, लेकिन क्या लोक वैभव की व्यंग्य शक्ति, अब कवि क्या कह रहे हैं, जैनेन्द्र कह रहे हैं लेकिन इस लोक वैभव की जो व्यंग्य शक्ति है वह उस चूरण वाले भगत जी के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं डालती है। उसके आगे जाती है वह क्या हो जाती है, चूर चूर हो जाती है, चूर चूर कहो चूर चूर नहीं पानी पानी हो जाती है, पानी पानी हो जाती है उस चूरण वाले भगत जी के आगे जाते है, जो पैसे की व्यंग्य शक्ति है उसके आगे जाते ही चूर चूर या पानी पानी हो जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। अब कवि कह रहे हैं कि यह भी कोई बल है जो कि कभी अजय नहीं रहता, अजय नहीं, अजय का मतलब है जो कभी न जीता जा सके, अजय का मतलब है जो कभी न जीता जा सके, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है, मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर वह सरकारी वह संसारी वैभव फलता फूलता है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है, लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं, मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, मुझे शायद शब्दों से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है बटोर रखने की स्प्रा है वहां उस बल का बीज नहीं है, बल्कि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। संचय यानी एकत्रित करना। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो संचय की तृष्णा होती है, जो संचय की चाह, जो एकत्रित करने की चाह होती है, जो एकत्रित करने की चाह होती है वह व्यक्ति में निर्बलता ही प्रमाणित होती है, उस व्यक्ति के अंदर निर्बलता ही आती है, निर्बल ही धन की ओर झुकता है और वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो निर्बल आदमी है वही किसकी ओर जाता है, वही जाता है धन की ओर, वही धन की ओर झुकता है, जो निर्बल आदमी है वही धन की ओर झुकता है और वह मनुष्य पर धन की ओर चेतन पर किसकी विजय होती है, जड़ की। मनुष्य के ऊपर किसकी विजय हो गई, धन की, और चेतन पर किस चेतना पर किसकी हो गई, जड़ की। कभी क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए, मुझे देख दे उन्होंने जय जय सियाराम किया, मैंने भी जयराम का, उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राय में बहुत लोग बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे, भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, व्यवहार में पेश उन्हें नहीं था और खोए
से खड़े नहीं बह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट मन और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़ते रह जाते हैं, कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ से दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्वक विमुखता उन्हें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत भर का जीरा वहाँ से लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतिधि के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान पर ही मिल जाता है और वहां से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि एक बार भगत जी मुझे बाजार में मिल गए, और बाजार में कहां पर, चांदनी चौक पर। मैंने उनका अभिवादन किया, उन्होंने भी अभिवादन लिया और अभिवादन मुझे वापस किया। भगत जी के अनेक मिलने वाले भी उस बाजार के अंदर मिलते हैं, सभी से वह अभिवादन लेते हैं और उन्हें अभिवादन करते हैं। और मैंने देखा कि उनकी आंखें खुली की खुली हैं, यानी बंद आंखों से बाजार में नहीं आते हैं, खुली आंखों से आते हैं। और उन्हें जो चीज चाहिए वह चीज कोने वाली पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। उन्हें चाहिए जीरा और काला नमक चाहिए वह उन्हें पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। और बाकी जो चांदनी चौक की छटा है, जो चांदनी चौक का मोह है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो चांदनी चौक का मोह है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके कल्याण के बारे में ही चाहते हैं। उससे कुछ नहीं लेते, बस उसका कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपने परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजारों पर बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास होने पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते हैं, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। अब कवि क्या कहते हैं, कवि जैनेन्द्र कह रहे हैं कि बाजार की सार्थकता किसके अंदर है। बाजार की सार्थकता वही मनुष्य जानता है जो कि अपने काम की चीज लेता है, जैसे भगत जी अपने काम की चीज ली और वापस अपने घर आ गए। बाजार की सार्थकता वही आदमी जानता है, और जो नहीं जानते वे क्या चाहते हैं, और जो बाजार की सार्थकता नहीं जानते वे आदमी क्या चाहते हैं, वे आदमी तो सिर्फ और सिर्फ अपने परचेजिंग पावर के ऊपर गर्व करते हैं, खरीदने की शक्ति के ऊपर, और अपने पैसे के ऊपर घमंड करते हैं। वह बाजार को सच्चा स्वरूप और सार्थकता नहीं दे सकते, वह बाजार को उसका सच्चा स्वरूप और सार्थकता नहीं दे सकते। क्या दे सकते हैं वे बाजार को एक विनाशक शक्ति और शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही दे सकते हैं।
किस प्रकार कि बिना जरूरत का सामान खरीदेंगे। अगर वह बिना जरूरत का सामान खरीदेंगे तो वह बाजार के अंदर अपनी वैमनस्यता को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि बाजार की डिमांड उसमें ज़्यादा रहेगी और भाव उसके अंदर ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसमें आपसी वैमनस्य ही बढ़ता चला जाएगा। कपट की बढ़ती का अर्थ है बाजार में सद्भाव की घटी। और कपट क्यों बढ़ती है? कपट इसलिए बढ़ती है कि आपस में सद्भाव की कमी हो जाती है, इसलिए कपट बढ़ जाती है। सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और वह पड़ोसी आपस में नहीं रह सकते, आपस में सौहार्द का वातावरण नहीं बना सकते। और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। अब उनके अंदर सद्भाव की बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, उनके अंदर क्या है कि वह सद्भावना को तो भूल जाते हैं और एक ग्राहक खरीदने वाले और बेचने वाले की तरह ही व्यवहार करते हैं। जैसे एक दूसरे से वे अनजान है, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। और क्या करते हैं, कभी कह रहे हैं कि और वो जो बेचने वाला और खरीदने वाला है वह दोनों किस की ताक में हो, वह दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। बेचने वाला उससे ज्यादा पैसा हड़पने की कोशिश करता है और जो खरीदने वाला है वह उसे कम देने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि मैंने इसको कम दिया तो मैंने इसको ठग लिया, और बेचने वाला सोच रहा है कि मैंने इससे ज्यादा ले लिया तो मैंने इसको ठग लिया। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। कवि कह रहे हैं कि जब एक आदमी की हानि होती है तो दूसरे को क्या दिखता है, उसमें लाभ दिखता है। मान लो कि एक चीज जो 5 रुपए की आ रही है वह उसे 6 रुपए में बेच रहा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन वह उसे 10 में बेच रहा है तो जो खरीदने वाला है उसके तो हानि होगी। खरीदने वाले की क्या होगी? हानि होगी। इसकी हानि होगी तो जो बेचने वाला है उसके क्या होगा? उसके लाभ होगा। तो एक की हानि में दूसरे को क्या दिखता है? दूसरे को लाभ दिखता है। यह बाजार का नहीं, कवि कह रहे हैं, यह बाजार का ही नहीं बल्कि इतिहास का भी सर्वमान्य सत्य है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है बल्कि शोषण होने लगता है। कभी क्या कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि जब ऐसे ही बाजार हो जाएंगे जहां एक की हानि होगी और दूसरे को लाभ होगा, जब ऐसे ही बाजार हो जाएंगे तो उनमें जो आवश्यक चीजें हैं उनका आदान प्रदान नहीं होगा बल्कि शोषण होने लग जाएगा। किसी एक आदमी का तो शोषण होगा। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ऐसे बाजारों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि उनके अंदर शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडम्बना है, और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर होता है, वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र क्या है? अनिति शास्त्र है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि ऐसे जो बाजार होते हैं जिनमें एक की हानि होती है और दूसरे का लाभ होता है, दूसरे को लाभ दिखाई देता है, तो वहां पर एक आदमी का जो खरीदने वाला होता है बेचने वाला, उनका क्या होगा? उनका शोषण ही होगा। और जब शोषण होगा तो उनमें क्या होगा? उनमें कपट पैदा होगा। और जो निष्कपट है, बिना कपट के आदमी, वह क्या हो जाएंगे? वह उस चीज के क्या होंगे? शिकार होंगे। जिन आदमियों को कपट नहीं आता है, सीधे साधे भोले वाले आदमी है, वह आदमी उस कपट का क्या होंगे? शिकार होंगे। और ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या है? विडम्बना है। जो बाजार का पोषण करता है उसे, जो उसका शास्त्र बना हुआ है वह क्या है? अर्थ शास्त्र है, इकोनॉमिक्स। वह क्या है? इकोनॉमिक्स। और ऐसा मायावी शास्त्र वह क्या है? एक मायावी शास्त्र है, माया का जाल है। वह अर्थशास्त्र नहीं, अनिति शास्त्र है। ऐसा अर्थशास्त्र नहीं होता है, ऐसा होता है अनिति शास्त्र। ऐसा क्या होता है? अनिति शास्त्र। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि यहां पर कहते हैं कि, कवि बताते हैं कि जो बाजार में जो मुनाफा कमाने की जो नीति होती है, बाजार के अंदर जो मुनाफा कमाने की नीति होती है, उस नीति को जो सिखाने वाला शास्त्र होता है, कवि उसे किसकी संज्ञा दे रहे हैं? कवि उसे अर्थशास्त्र की संज्ञा दे रहे हैं कि बाजार में जो मुनाफा कमाने की जो नीति है,
जो बाजार में जो मुनाफा कमाने की नीति है उसको जो सिखाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। और ऐसे अर्थशास्त्र को कवि ने क्या कहा है? ऐसे अर्थशास्त्र को कवि ने अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र कहा है। क्या कहा है? अनीति शास्त्र। अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखक ने बाजार की असली कृतार्थता बताइए, किस में बताइए? आवश्यकता के समय काम आना। भगत जी ने कभी चूरन बेचकर से आने से ज्यादा नहीं कमाए, क्योंकि क्यों नहीं कमाए? क्योंकि वे संतोषी थे, इसलिए और अधिक कमाना नहीं चाहते थे। लेखक के अनुसार जब बाजार का जादू किस तरह से राय लेखक के अनुसार बाजार का जादू किस राय से काम करता है? लेखक के अनुसार बाजार का जादू आंखों के रास्ते आंखों की राह काम करता है। ग्राहक आंखों से सुंदर सुंदर चीजें देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है और उसे खरीदने की क्या करने लग जाता है? सोचने लग जाता है। लेखक ने किस समय बाजार न जाने की सलाह दी है? लेखक ने कहा है कि जब आपका मन खाली हो तो आपको बाजार नहीं जाना चाहिए। खाली मन लेकर आपको बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन अगर खाली होगा तो वह सब चीजें खरीदने के बारे में सोचेगा। चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? चूरन वाले भगत जी का जीवन हमें शिक्षा देता है कि हमें वही चीज खरीदनी चाहिए जिस चीज की हमें जरूरत है, जो बिना जरूरत की चीज हमें नहीं खरीदनी चाहिए, और आवश्यकता से ज्यादा हमें धनोपार्जन यानी धन का अर्जन नहीं करना चाहिए। हमें जितने धन की आवश्यकता है उतने ही धन का अर्जन उतने ही धन का संचय करना चाहिए। पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं? पैसे देकर चीजें बाजार से खरीदी जाती हैं, जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा चीजें, यह पैसे की परचेज पावर है। लोग बाजार का बाजारोपण बढ़ाते हैं, उससे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है? लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आंसर। लोग बाजार का बाजारोपण बढ़ाते हैं, उनसे बाजार पर क्या प्रतिकूल असर पड़ता है? बाजार का क्या उद्देश्य है? बाजार का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना। जो लोग बाजार के इस उद्देश्य में बाधा डालते हैं वे बाजार को अनुचित धनोपार्जन तथा शोषण का साधन बना देते हैं। वहां वे दोनों एक दूसरे को ठगने तथा धोखा देने के प्रयास करने लग देते हैं, और आपसी सद्भाव क्या होता है? आपसी सद्भाव खत्म होता है यानी नष्ट होने लगता है। हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जरूरत क्या है, कि हमें कौन सी चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, पहले तो हमें यह ध्यान होना चाहिए। हमको बाजार में अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है और बिना जरूरत की चीज नहीं खरीदनी है। हमें बाजार से वही चीज खरीदनी है जिस चीज की हमें जरूरत हो। निबंधात्मक प्रश्न। बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया है? आप बाजार का सही उपयोग किस प्रकार करेंगे? यह प्रश्न करना है आपको। उपभोक्तावाद से प्रभावित समाज में उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? ये आपको बताना है। आपको नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। और आपके निबंधात्मक प्रश्न पूरे होते हैं। अब नीचे दिए गए हैं संधि विच्छेद। तिरस्कार शब्द तिरह प्लस कार से बनाए। यह विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के निम्न शब्दों का विच्छेद कीजिए। भास्कर भा प्लस कर, पुरा प्लस कार, निह प्लस सार, निह प्लस बल, निह प्लस जन, बृहस्पति। इस प्रकार इनके संधि विच्छेद हैं।
और आपको ये अपने नोटबुक के अंदर करना है। आपका चैप्टर बाजार दर्शन कंप्लीट होता है। थोड़ा टफ चैप्टर है, थोड़ा हार्ड चैप्टर है। आप इसे एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, आपको समझ में नहीं आएगा तो वापस से मैं बता दूंगा, वापस से पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप इसे पढ़ें जरूर एक दो बार, एक दो बार आप पढ़ोगे तभी आपकी ये समझ में आएगा। आगे की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।